सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नजर मार लेने हैं सुर्खियों दे वल। कठुआ च अतवादी हमले तो बाद जम्मू च वधाई गई सुरक्षा। अमरनाथ यात्रा नूं लैके एजेंसियां अलर्ट ते पुलिस वालों बरती जा रही है चौकसी। लखीमपुर खेड़ी च शारदा नदी खतरे के निशान तो पार। पालिया रोड होया बंद, रेलवे लाइन ते पानी ही पानी। राहुल गांधी दी पीएम मोदी नूं नसीहत। पीएम मणिपुर दा दर्द समझण लोकां दा जानण हाल चाल। कठुआ दे मछेड़ी इलाके च होए अतवादी हमले दे मद्देनजर जम्मू च सुरक्षा प्रबंध वधा दिते गए ने। जम्मू च अमरनाथ यात्रा पहला ही चल रही है, इसलिए सुरक्षा बल पहला ही हाई अलर्ट ते ने। इस अतवादी हमले तो बाद शहर च नाके ते वाहनां ते उहनां च सफर करन वाले लोकां दी चैकिंग की जा रही है। स्पैशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान अचनचेत नाके लगा के शकी लोगों की जांच कर रहे हैं। इसके नाल ही सरहदी खेतरां च सुरक्षा बलों के नाल नाल ग्रामीण रक्षा ग्रुप के मैंबरों नूं भी हाई अलर्ट से रखा गया। पुलिस वालों होर सुरक्षा एजेंसियों नाल तालमेल करके जिले भर में सख्त चौकसी रखी जा रही है। पहाड़ा ते मैदानी इलाकों च लगातार पै रहे मीह तो बाद बनबासा बैराज तो 4 लाख क्यूसक तो वध पानी छड़े जाण कारण पीरा पालिया रोड स्थित रापता पुल ते 2 फुट पानी खड़ा हो गया। इस कारण बहरा तो अगे पालिया रोड नूं दुपहर वेले बंद कर दिता गया। पुलिस प्रशासन ने बैरीकेड लगा के आवाजाई ठप की है, जिस कारण लखीमपुर हैडक्वार्टर ते पीरा नाल पालिया इलाके का सीधा संपर्क टुट गया। हालांकि कोई भी निघासन राही लगभग 25 किलोमीटर की वाधू दूरी तय करके जिला हैडक्वार्टर तक पहुंच सकेगा। दूजे पासे मैलानी पालिया रेलवे लाइन हड़ के पानी कारण 5 मीटर तक कट गई है, जिस कारण रेल गड्डियां का संचालन रोक दिता गया। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी मणिपुर दौरे ते सानू स्थानक लोकां नूं मिले, उन्हां दा दर्द सांझा कीता। इस मौके उन्होंने पीएम मोदी नूं मणिपुर आउण ते उत्थों दे लोकां दे दर्द नूं समझण दी अपील कीती। उन्होंने सरकार नूं भरोसा दिता कि मणिपुर च शांति बहाल करन लई सरकार जो भी कदम चुकेगी विरोधी पार्टियां उसका समर्थन करनगियां। लोक सभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी ने मणिपुर दी त्रासदी नूं भयानक करार दिता। उन्होंने कहा कि पिछले साल मई च हिंसा शुरू होण तों बाद सूबे दी इह उन्हां दी तीजी फेरी है, पर उन्हां नूं स्थिति च कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। पिछले साल मई तो मणिपुर विच मेतेई ते कुकी भाईचारियां दरमियान जाति हिंसा च 200 तो वध लोग अपनी जान गवा चुके ने। राहुल गांधी ने 3 राहत कैंपां दा दौरा कीता ते बेघर होए लोकां दे नाल गलबात भी कीती। एक साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा, मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सोल्यूशन निकल सकती है। और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें। इससे मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। तृणमूल कांग्रेस दी संसद मेंबर महुआ मोइत्रा ने हुन मोदी सरकार च केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ते गंभीर दोष लाए ने। महुआ मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया एक्सपोस्ट राही दावा किया कि केंद्रीय जहाज रानी ते जल मार्ग राजमंत्री शांतनु ठाकुर ने अपने लैटर हैड उते गऊ दे मांस दी तस्करी करन वालियां नूं बंगलादेश सरहद पार कराउण दा पत्र जारी कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने उस पत्र की कापी भी अपनी पोस्ट दे नाल जग जाहिर कीती है, जो बकायदा लैटर हैड ते है।
पुणे जिले च अज खेतरी मौसम विज्ञान केंद्र वालों जारी मीह की चेतावनी के मद्देनजर कलैक्टर डॉक्टर सुहास दिवेसे ने ऐलान किया है कि 12वीं जमात तक के सारे स्कूल अज बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि अजिहा किसी भी अनसुखावी घटना से स्कूलों को प्रभावित करने वाली एमरजेंसी तो बचने लिए किया गया। हालांकि स्थानक प्रशासन के निर्देशों अनुसार प्रिंसीपल अध्यापकों और गैर अध्यापन स्टाफ समेत स्कूल स्टाफ को आफत प्रबंधन यत्नों में सहायता करने के लिए दफ्तरी समय दौरान स्कूल का दौरा करने के निर्देश दिए गए। कलैक्टर ने नागरिकों को सावधानी बरतन चरने सैर सपाटा गतिविधियों तो बचने से सुरक्षा यकीनी बनाने की लोड़ पैण से ही बाहर जाने की बेनती की है। यह फैसला IMD वालों जारी भारी मीह की चेतावनी के मद्देनजर लिया गया। पंजाब राजभवन चंडीगढ़ विखे पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू का सहुं चुक समागम करवाया गया, जिस दौरान चीफ जस्टिस शील नागू ने अपने अहुदे की सहुं चुकी। इस मौके ते हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। जिला फतेहगढ़ साहिब पुलिस के CIS स्टाफ वालों हथियारों की नोक से लुटा खोहां करने वाले गैंग के 6 मैंबरों को मारू हथियारों समेत गिरफ्तार किया गया, जो फतेहगढ़ साहिब किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे सन। समा रहिंदे CIS स्टाफ सरहंद के हथी चढ़ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे SPD राकेश यादव ने दसिया कि गिरफ्तार किए गए गिरोह के मैंबरों पासों भारी असलाह चोरी के मोटरसाइकिल बरामद हुए। उन्होंने दसिया कि इस गिरोह ने रोपड़ पटियाला फतेहगढ़ साहिब जिलों में वारदातों को अंजाम दिता है। नाल ही उन्होंने दसिया कि गिरफ्तार किए गए गिरोह के मैंबरों से पहला भी वख-वख थाणियां च मामले दर्ज ने। उन्होंने दसिया कि गैंग के होर मैंबरों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस संबंधी इन्हां पासों पूछगिछ जारी। बटाला के नजदीकी पिंड काला नंगल के शमशान घाट विच व्यक्ति की लाश शमशान घाट के नेड़े लटकती हुई मिलन तो बाद पूरे इलाके च सनसनी फैल गई। उत्थे ही स्थानक लोगों वालों इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। स्थानक पिंड वासियों ने दसिया कि उन्होंने सवेरे सैर करते देखा कि एक लाश लटक रही है, इसकी सूचना पुलिस से पंचायत को दी, जदों कि उन्होंने मुताबिक उक्त मृतक उन्होंने पिंड का नहीं है तो प्रवासी मजदूर है। उधर पुलिस वालों मौके पर पहुंच के कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने दसिया कि मुढ़ली जांच यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। उन्होंने वालों इस लाश को कब्जे च लैके पोस्टमार्टम लिए भेजा गया ते केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जलंधर च बाइक सवार लुटेरिया ने पिस्तौल दिखा के लड़की तो पैसे लुटन की कोशिश की, जिस दौरान लड़की ने मौके तो कार भजा ली, जिसकी कार डिवाइडर न टकरा के पलट गई, जिस कारण लड़की भी गंभीर जख्मी हो गई, जिसनों राहगीर ने इलाज लिए हस्पताल पहुंचाया। इस तो बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच विच जुट गई। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।